चले अगर अपन टर्म वन, टर्म अगर अपन थोड़ा सा टर्म वन के बारे में देख लें तो टर्म वन में सबसे पहले आपका एक चैप्टर होता है कौन सा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं तो प्रॉपर ऑन अ पेपर ऑफ बात करूंगा, लेट से 80 मार्क्स का अगर पेपर बनता है आपका, तो नंबर सिस्टम अप्रोक्स 12 to 15 मार्क्स का होगा। अब इसका वेटेज सर, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो आपका बोलता है इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर। क्या बनता है? इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। मैं बात करूं बच्चों से तो सर, इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर का मतलब आपको बोल देंगे 4/5, लेट से अगर मैं बात करूं 4/5 और लेट से 8/7 के बीच में तीन रैशनल नंबर डाले, 4/5 और 8/7 के बीच में तीन रैशनल नंबर डाले। तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको इंटू 7/7 करना पड़ेगा और इसको इंटू 5/5 करना पड़ेगा। सर ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये 4/7 से कितना 28/35 और शायद ये 40/ में कितना हो जाएगा 35। इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर डलेगा 29/35, शायद 30/35, चाहे उसके बाद 31/35, 32/35, ऐसे आप कितने भी रैशनल नंबर डाल सकते हैं। सेकंड इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पी बाय क्यू फॉर्म का। सर पी बाय क्यू फॉर्म में क्या बोलता है, बहुत बार आपको बोल देंगे कि एक्स इज इक्वल टू है 3.2 बार, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिखो। तो सर इसको आपने समझाया था, अगर एक के ऊपर बार है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 10x, और ये 3.2 बार का मतलब 3.22222। तो सर अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इन शॉर्ट ये हो जाएगा 32.2 बार, तो क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ। अब सर आपके पास एक तो एक्स की वैल्यू क्या है 3.2 बार, गेटिंग इट, ये एक्स की वैल्यू, ये 10x की वैल्यू, इसमें दोनों को माइनस करोगे आपस में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x, बार से बार कैंसिल, 32 - 3 इज व्हाट 29, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29/9। सर यही चीज अगर अपन आगे की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एक्स इज इक्वल टू 5.71 बार, 5.71 बार। तो सर अगर अपन लिखें तो दो के ऊपर डेसिमल है, तो इस बार आपको किससे मल्टीप्लाई करना, 100 और यहाँ पे कितना 100, तो 5.717171 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल 1 और 2 यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इन शॉर्ट 100x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 571.71 बार। सर अब x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5.71 बार, अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, बार से बार क्या हो जाएगा कैंसिल, और 571 में से अगर 5 गए तो ये हो जाएगा 566। तो सर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 566.99, 566/ में कितना 99। सर ये भी ठीक है, अगर मैं आपको कभी बोलूं इसी में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है x इज इक्वल टू 2.13 बार। अब यहाँ पे क्या है ना, वन के ऊपर बार नहीं सर, किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन को नॉर्मल करने के लिए पहले अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो बार है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो जब आपका मेन क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 21.3 बार। अब सर ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपको पहले पॉइंट के बाद सब क्या थी बार, तो ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। अब क्योंकि एक के ऊपर बार है 21 पॉइंट क्या चल रहा है 3 3 3 3 3, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, और इसको भी किससे 10 से, ऐसे में ये हो जाएगा दोस्तों 100x इज इक्वल टू, ये बार कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 213.3 बार, ठीक है। अब ऐसे में तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या हो गया, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना है 10x 21.3 बार, ये माइनस और ये भी कितना माइनस, बार से बार क्या हो गया कैंसिल। अगर अपन देखे तो 90x इज इक्वल टू 3 - 1 = 2, 21 - 2 = 1 - 2 = 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 192। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 192/90। सर ठीक है, अच्छी बात है।
सर सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है, चैप्टर नंबर वन आपको थर्ड लेवल पे ले जाता है रैशनलाइजेशन की तरफ। तो जब मैं रैशनलाइजेशन के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो बहुत बार आपको जब दिया होगा एक्स इज इक्वल टू ऐसे गिवन लगा वन अपॉन में कितना रूट सेवन माइनस रूट फाइव, अगर अपन बात करें तो वन अपॉन में रूट सेवन माइनस रूट फाइव। रैशनलाइजेशन का एकमात्र अर्थ ये होता है कि हमको डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए रहता, तो अगर साइन यहाँ पे माइनस की है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का ऐसे होगा प्लस से रूट सेवन प्लस रूट फाइव रूट सेवन प्लस रूट फाइव। ऐसे किस्से में ये क्या हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट फाइव अपॉन में कितना है ये ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट फाइव अपॉन में सेवन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू कितना टू, तो ये हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट फाइव अपॉन में टू। सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है x is equal to let's say 4 upon में 3 root 2, अब upon में तो root 2 है तो मुझे root 2 पसंद नहीं है, मतलब upon में नहीं आना चाहिए, तो upon में जो भी root हो उससे आप ऊपर और नीचे क्या कर दो multiply, तो ऊपर का भी root 2 multiply कर दिया नीचे का भी root 2 multiply कर दिया, तो it would be 4 root 2, root 2 into root 2 कितना हो गया 2, तो root 2 into root 2 is 2, तो 3 into 2 is 6, तो तुम्हारा final answer आ गया, चाहो तो 2 ये 3 जाओ 2 by 3 या 2 root 2 by 3 सर ठीक है ठीक। अगर अपन बात करें अच्छे से तो x is equal to अगर आपको given है root 5 plus root 8 root 5 plus अगर हम बात करें root 5 plus root upon में let's say अगर अपन बात करें root 3 minus root 2 ऐसा question भी आ सकता है। अब upon में क्या है a minus b, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन में कितना रूट थ्री प्लस रूट टू, तो सर रूट फाइव इंटू रूट थ्री इज रूट फिफ्टीन, रूट फाइव इंटू रूट टू इज रूट टेन, रूट एट इंटू रूट थ्री इज रूट ट्वेंटी फोर और रूट एट इंटू रूट टू हो जाएगा रूट सिक्सटीन। दिस होल अपॉन में ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सर ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप समझिए रूट फिफ्टीन तो रूट फिफ्टीन ही रहेगा, रूट टेन को भी आप कुछ नहीं कर सकते, रूट ट्वेंटी फोर को आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो टू से करें तो ट्वेल्व, फिर टू से करें तो कितना आएगा सिक्स, फिर टू से करें तो थ्री, फिर थ्री से करें तो थ्री, मतलब एक टू बाहर निकल सकता है इसमें से, बाकी तो जोड़ी नहीं बन पा रही, रूट का मतलब दो की जोड़ी निकालना है, तो आप इसको टू रूट सिक्स बोल सकते हो क्योंकि टू की जोड़ी बन गई और इससे सक्र बच गए, रूट सिक्सटीन का मतलब ही कितना होता है फोर, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया थ्री और रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया माइनस टू। तो सर इस प्रकार से अगर अपन देखे तो ये हो गया रूट फिफ्टीन प्लस रूट टेन प्लस टू रूट सिक्स प्लस फोर अपॉन में कितना होगा। सर इसी में ऐसे क्वेश्चन आना काफी संभावित बात है कि आपको बोल देंगे बहुत बार x is equal to let's say root 6 minus root 5 और वो आपसे बोलेंगे कि हमको x plus 1 by x निकाल के दो या x minus 1 by x। सर ऐसे में अगर अपन देखें तो 1 by x का मतलब क्या, 1 by x का मतलब है 1 upon में कितना root minus root 5। सर अब इसको तो आप क्या करोगे rationalize, तो सर अगर इसको rationalize करेंगे तो आप इसमें रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपॉन में कितना रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, तो सर ढंग से देखा जाए तो रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपॉन में कितना ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस, सर ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है क्या। तो सर इन शॉर्ट रूट सिक्स प्लस रूट फाइव अपॉन में सिक्स माइनस फाइव इज वन, ये आपके पास कितना गया वन अपॉन में एक्स, कितना गया आपके पास वन अपॉन में एक्स। अब सर अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो एक आपके पास एक्स है और एक आपके पास क्या है वन बाय एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी है रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, सर ये से क्या हो गया कैंसल, एक्स प्लस वन बाय एक्स इज टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स। अगर मैं तुझसे x माइनस वन बाय एक्स पूछता तो x की वैल्यू कितनी है रूट सिक्स माइनस रूट फाइव,
और 1/x की वैल्यू अपनी यहाँ पे निकाल चुके हैं, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। तो सर ऐसे में रूट सिक्स से रूट सिक्स क्या हो जाता कैंसिल, ये बन जाता माइनस टू रूट फाइव, माइनस टू रूट फाइव। सर ठीक है, रूट फाइव प्लस रूट फाइव कितना होगा, चले। अब अगर अपन बात करें तो सर इसी में बहुत बार कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो सर इसका फोर्थ टॉपिक अगर मैं आपसे बात करूं, या मैं रैशनल रचना एक और क्वेश्चन बोलूं, तो बहुत बार आपको ऐसा गिवन रहता है रूट सेवन प्लस रूट थ्री अपॉन में रूट सेवन माइनस रूट थ्री इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में बनता है। तो सर ऐसे क्वेश्चन को अगेन अपने को करना क्या पड़ता है, रैशनलाइज, क्या करना पड़ता है रैशनलाइज। तो अगर आप और मैं समझे इस बात को तो ये हो जाएगा रूट सेवन माइनस रूट थ्री अपॉन, सॉरी माइनस है किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से, रूट सेवन प्लस रूट थ्री। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो, रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन, रूट सेवन इंटू रूट थ्री शायद अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा ये आपके पास रूट ट्वेंटी वन, रूट थ्री इंटू रूट सेवन अगर अपन रूट कितना ट्वेंटी वन, और शायद आपके पास यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा थ्री, यहाँ पे आपको आएगा ट्वेंटी वन, ठीक है ना। और अपॉन में क्या गिवन है आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी, इन शॉर्ट ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर सेवन प्लस थ्री कितना हो गया आपके पास टेन, टेन प्लस रूट ट्वेंटी वन प्लस रूट ट्वेंटी वन, ये जगह टेन प्लस टू रूट ट्वेंटी वन, दिस होल अपॉन में सेवन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा ऊपर से अगर टू कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन अपॉन में कितना, सेवन माइनस थ्री इज फोर, दिस इज वन जा दिस इज टू जा। तो सर एक तरफ ये हो गया फाइव बाय टू और एक तरफ ये हो गया वन बाय टू रूट ट्वेंटी वन is equal to क्या चल रहा था a plus b root 21। तो सर a is equal to कितना हो जाएगा 5 by 2 और b is equal to कितना हो जाएगा 1 by 2। इस केस में a आपके पास 5 by 2 और b के 1 by 2 होने के चांसेस हो जाएंगे या वो हो जाएगा। सर अगर अपन बात करें कहीं ना कहीं इस चैप्टर के चौथे पार्ट की, तो इस चैप्टर में जो आपका चौथा पार्ट है वो आपका कहीं ना कहीं इंडाइसेस के साथ आता है और इंडाइसेस की आइडेंटिटीज के साथ आता है, ठीक है ना। इंडाइसेस की जो आइडेंटिटीज आपको काम आने वाली हैं वो कुछ ऐसी हैं, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू कितना, x की पावर m प्लस n, x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n, x की पावर m माइनस n, x की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n इनटू l रूट ऑफ x की पावर n, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर 1 बाय n। सर कहीं ना कहीं इसमें और एंटिटीज ऐसी होती हैं कि अगर आप x की पावर माइनस n होता है तो ये होता है 1 अपॉन x की पावर n। सर और क्या समझा सकते हो इसमें, एनीथिंग टू द पावर 0 इज। सर इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं बट फिर भी आपकी मैसेज के लिए बहुत बार ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने बोल दिया आपको लेट्स से 3 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 27, फाइंड x। तो आपको ये सोचना पड़ेगा 3 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 27 है क्या, 3 की पावर कितना 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसे केस में x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10। तो सर ये बात तो अच्छी है, मैंने बोला हाँ ये बात कहीं ना कहीं अच्छी है। सर थोड़ा सा अगर आप और बताओ तो ऐसे कुछ ना सकते हैं, बहुत बार ऐसे कुछ ना सकते हैं 25 की पावर n into 5 की पावर n plus 2 this whole upon में 5 की पावर 125 की पावर n minus 1 into 5 की पावर n plus 3। तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मैंने बोला हाँ क्वेश्चन की तो हाँ धारणा है, कुछ भी पूछा
सर आपका माइक ऑफ है। चलें क्या दोस्तों? तो सर आपने 25 को क्या लिख लिया? 5 का स्क्वायर होल की पावर कितना? n। ये 5 की पावर क्या चल रहा है? n प्लस 2। ये 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होल की पावर n माइनस 1 इनटू 5 की पावर n प्लस 3 इनटू 5 की पावर कितना? n प्लस 3। अगर अपन बात करें तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 इनटू n टू n इनटू 5 की पावर कितना? n प्लस 2। यहाँ पे कितना आएगा अगर अपन देखें तो हो जाएगा 5 की पावर 3n माइनस 3, क्योंकि इससे ही मल्टीप्लाई होगा इससे भी, इनटू 5 की पावर कितना? n प्लस 3। तो सर कहीं ना कहीं हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस n प्लस 2 दिस होल अपॉन में 5 की पावर 3n माइनस 3 प्लस n प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड। तो सर अगर अपन बात करें तो 2n प्लस n तो 5 की पावर 3n प्लस 2, यहाँ पे 3 से 3 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। नीचे कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3 4n। सर इन शॉर्ट इस पूरे क्वेश्चन का अगर अपन आंसर देखना चाहें तो ये दोनों अपॉन में आएंगे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या जाएगा? 5 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 4n, इसका मतलब 5 की पावर 2 माइनस n। 5 की पावर कितना आपके पास? 2 माइनस n। सर ठीक है, क्वेश्चन तो दोस्तों और भी बनते हैं, बहुत बार ऐसे साइक्लिक क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के लिए आपके पास। ऐसा बोलते हैं x की पावर a अपॉन में x की पावर b, और ये बहुत बार बोल देंगे होल की पावर a प्लस b इनटू x की पावर a अपॉन में x की पावर b अपॉन में x की पावर c होल की पावर में आपको लिख देंगे कितना? b प्लस c इनटू x की पावर c अपॉन में x की पावर a होल की पावर में लिख देंगे c प्लस a। अब खुद बता a और b का मतलब ये x की पावर क्या हो गया? a माइनस b होल की पावर कितना? a प्लस b। अगर ये b और c है, x की पावर कितना? b माइनस c होल की पावर कितना? b प्लस c। x की पावर c माइनस a होल की पावर कितना? c प्लस a। सर ऐसे में अगर हम बात करें और अच्छे से बात करें तो जब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? x की पावर a स्क्वायर माइनस कितना? b स्क्वायर। यहाँ पे b माइनस c और b प्लस c मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? b स्क्वायर c स्क्वायर, और x की पावर c स्क्वायर माइनस कितना? तो सर ऐसे में कहीं ना कहीं x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सब कुछ कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x की पावर 0। सर क्वेश्चन तो बहुत उम्दा लेवल का था, मैंने बोला हाँ बिल्कुल था क्वेश्चन उम्दा लेवल का। सर बहुत बार ऐसा आ जाता है कि आपको बोल देंगे यहाँ पे 64 और यहाँ पे आपको बोल देंगे फोर्थ रूट, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रूट बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इनटू आपको बोल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 इनटू आपको अपॉन में बोल देंगे 8 का क्यूब रूट इनटू आपको बोल देंगे 625 फोर्थ रूट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो 64 है, पहली बात तो इसका मतलब ही हुआ 64 की पावर 1/3, 25 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/3, 625 की पावर 1/4। तो सर क्या ये बात हुई? मैंने बोला हाँ बातें तो हुई। 64 को क्या लिख सकते हो? अगर अपन 64 को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो 4 का क्यूब दिख रहा है, तो 4 का क्यूब होल की पावर 1/3, 5 का स्क्वायर होल की पावर 1/2, नीचे 2 का क्यूब होल की पावर 1/3, 5 की पावर 4 होल की पावर 1/2। सर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सर 4 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 5 दैट इज 20 अपॉन 10 किया जाएगा 2। सर कहीं ना कहीं यही चैप्टर आपसे ऐसा भी बोलता है बहुत बार, 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर y माइनस 2,
is equal to 500. Find x plus y. अभी देखो सर 500 को दिमाग से देखना पड़ेगा कि 500 क्या बोलना चाहते हैं. 500 पहले 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 250. फिर अगर 500 इससे 2 से फिर से डिवाइड होगा तो फिर ये 5 से होगा 25. फिर 5 से 5. फिर 5 से. तो सर ये 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर अपन देखें तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब हो गया. तो 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. और यहाँ से अपन ने 2 से 2 वालों को इक्वेट कर लिया और 5 से 5 वालों को इक्वेट. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 का क्यूब. तो सर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल. 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल. सर ऐसे में कहीं ना कहीं x माइनस 1 इक्वल टू 2, y माइनस 2 इक्वल टू x is equal to 3, y equal to कितना. सर ये बात भी यथावत सत्य है. मैंने बोला हाँ बिल्कुल यथावत सत्य है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. सर इसी चैप्टर के अंदर एक बात और जानने की है बहुत बार आपके पास कि सर आपके पास कंसेप्ट होता है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब आपकी और मेरी नजर में जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर आ सकते हैं. रियल नंबर के दो बच्चे होते हैं, शायद एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल. एक होता है रैशनल और दूसरा क्या होता है आपके पास इरेशनल. हर वो नंबर जो p by q फॉर्म में नंबर लाइन पे आ सकता है, हर वो नंबर जो कि p by q फॉर्म पे नंबर लाइन पे आ सकता है, जैसे कि 0, जैसे कि 1, जैसे कि 2, माइनस 1, माइनस 2, या अगर मैं बोलूँ तो 0.1 या 1.3, 2.5, या मैं बोलूँ 1/3, 4/-4/7, कुछ भी नंबर हो जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं वो सारे नंबर होते हैं रैशनल नंबर. सर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये थोड़े से वो होते हैं जैसे √2, जैसे कि √3, जैसे कि √5, जो कि सॉल्व भी करोगे कभी √2 तो ये हो जाएंगे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ जाएंगे, ठीक है ना. तो सर कहीं ना कहीं ऐसे नंबर हैं जो नंबर लाइन पे सॉल्व ही नहीं हो सकते, वो कौन से होते हैं इरेशनल नंबर. कौन से नंबर होते हैं इरेशनल. चलें अगर अपन आगे की बात करें तो इनका बच्चा पैदा होता है इंटीजर. रैशनल नंबर इंटीजर को बोलते हैं कि हम देखो अपनी पूरी जायदाद देंगे लेकिन तुम हमेशा कंप्लीट रहना, अधूरे मत रहना. अधूरे मत रहना मतलब 0, 1, 2, 3, तू पूरा इन्फिनिटी रहे, माइनस इन्फिनिटी भी रहे लेकिन तू कभी भी आधा मत रहे. मतलब जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं इंटीजर्स. सारे नंबर क्या होते हैं इंटीजर्स. जो नंबर कंप्लीट होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं इंटीजर्स. सर ठीक है, बात तो आपने पक्की गई अच्छी गई. तो मैंने बोला कि हाँ इंटीजर के घर में दो औलादे पैदा हुई. एक हुआ, किसने बोला कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव रखूंगा, तो एक हुआ तुम्हारे पास कौन सा नंबर जो कि पॉजिटिव में जीरो से क्या लेता है इन्फिनिटी. एक हुआ आपके पास जो कि 1 से लेके क्या रहता है आपके पास इन्फिनिटी तक रहता है. तो सर ठीक है, ये बात भी अच्छी है कहीं ना कहीं. तो मैंने बोला हाँ अच्छी तो कहीं ना कहीं है. तो कभी भी आपको नीचे से ऊपर कभी भी ऐसा बोला हो ना एवरी होल नंबर. इंटीजर को जेड से डाउन करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से. एवरी होल नंबर is a, अगर मैं बात करूं इंटीजर तो क्या ये ट्रू होगा. yes. जब भी आप नीचे से ऊपर जाओ होल नंबर इज अ इंटीजर तो क्या ये ट्रू होगा. yes. Yes. अगर सर आप उल्टा देखो, कभी आपको ऐसा बोला हो कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स. अगर आपको बोला हो एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, रियल नंबर तो ऊपर है ना कहीं. तो सर रियल नंबर कहीं ना कहीं ऊपर है तो एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर. अगर आप ऐसे कहीं पे जा रहे हो तो उसका आंसर ट्रू रहेगा.
सर क्या यही बातें हैं जो हमको करनी है थोड़ी सी? हाँ सिस्टमेटिक, इसमें चैप्टर नंबर वन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका पूरा हर प्रकार से, चाहे जो आपका अगर मैं बात करूं किसी भी एंगल से, इंडाइसेस हो गए हो, रैशनलाइजेशन हो गया हो, पी बाय क्यू फॉर्म हो गया हो, अगर आपको पी बाय क्यू फॉर्म को भी एक बार और भी मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये भी देखना हो पी बाय क्यू फॉर्म का क्या एंगल, अगर मैं बात करूँ कि सर कभी आप ऐसा गिवन हो तो पी बाय क्यू फॉर्म में, लेट्स से एक क्वेश्चन अगर और चाहूँ तो एक्स इज इक्वल टू 2.713 बार। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन बनाने के लिए इसको दो डेसिमल टच कर, इन 200 और यहाँ पे भी इन 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 271.3 बार। अभी सर अभी अपना मेन क्वेश्चन, अब अगर इसको हटाना है इधर करना है तो आपको इसको इन टू टेन, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 271.3 बार। इसमें से ऊपर वाला क्या माइनस होगा, 100x दैट इज इक्वल टू कितना, 271 पॉइंट कितना 3 बार, बार से बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 900x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 11 में से 7 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 2442। एक्स इज इक्वल टू 2442 अपॉन में 9। कहीं ना कहीं ये आपका पी बाय क्यू फॉर्म, इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर और बाकी सारी चीजें चैप्टर नंबर वन की कवर करता है सिस्टमेटिक तरीके से। इसी के साथ इसको पूरा करना है अच्छे से और आराम से।